कृष्णा, तो आज का टॉपिक है अखियों से गोली मारे। यस, वी आर अबाउट दिस। एंड ये कभी कभार मेरा एक फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। ओके, गोविंदा एंड रवीना टंडन की एक बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी हमें देखने को मिली थी। दैट्स वंडरफुल। लेकिन हम बात कर रहे हैं अखियों से गोली मारे। यस, कई बार जिंदगी में है ऐसा पल आता है जब कोई इंसान सामने से अखियों से गोली मारना चाहता है, यू नो। लेकिन ऐसा पल आता है जब वो अपनी आंखों से एक्सप्रेस करता है कि भाई ये है मेरे दिल में, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो। तो इसी बात को लेके हम करने वाले हैं ये रीडिंग। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, ओरैकल, ओरैकल एंड टैरो। ठीक है, शुरुआत करते हैं ओरैकल से, फिर ओरैकल और फिर आएगा टैरो। ठीक है, तो चलो चार से छः कार्ड हम चुनेंगे, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, अखियों से गोली मारे, कौन अखियों से गोली मार रहा है, यू नो। लाइकवाइज, तो ऐसी काफ़ी सारे बातें यहाँ पे आ सकती हैं। चलो छः कार्ड हम निकालें, कि हम जनरली छः ही कार्ड निकालते हैं। ठीक है, लेट्स गो। चलो छः कार्ड है हमारे सामने, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। बेबसी, यस, ये कार्ड है बेबसी। देखो, ये पर्सन अगर हम देखें तो बेबस है। अपने आप को आपके सामने उस तरह से बयां नहीं करना चाहता है, फिर नहीं कर सकता जैसे कि वो चाहता है, यू नो। कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन आपके सामने उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है जैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं, यू नो, जिसकी स्माइल अगर आप देखोगे तो शायद उसको लगेगा भाई मेरी स्माइल इतनी अच्छी नहीं है, उसके ख्याल आते हैं। हालाँकि आपने उसके बारे में अभी तक नहीं सोचा है, या फिर कोई सोच रहा कि भाई मेरे गाल पे पिंपल आ गया है वगैरह वगैरह व्हाटएवर। लेकिन बात यह है कि ये पर्सन आपके सामने बेबस है, यू नो, मतलब कैसे खुद को रिप्रेजेंट करिए उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बता रही है। शायद ये आपके बारे में भी हो सकता है कि आपको अपने आप को कहीं एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अपनी दिल की हालत आपके दिल में ही रह रही है। दूसरी जो बात यहाँ पे है वो है राजदार। यस, आई थिंक ये पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, यू नो, दिस कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, या फिर इट कुड बी योर बेस्टी, इट कुड बी योर फ्रेंड, यू नो। राजदार यहाँ पे ऐसा है कि शायद आपकी कोई बात इन्हें पता चल गई है। इट कुड बी समथिंग अबाउट दैट। देखो, कहीं ना कहीं बात ऐसे हो रही है कि ये अभी आपके राजदार बन चुके हैं। मतलब ऐसा है कि इस पर्सन के साथ आप अपने दिल की ऑलमोस्ट सभी बातें शेयर करते हो, लेकिन शायद आपने कभी उस एंगल से देखा नहीं हो कि भाई जिनसे मैं अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ क्या वो भी मुझसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, और क्या वो मुझे एज अ फ्रेंड नहीं बल्कि एज अ लवर देखते हैं। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है, राजदार यहाँ पे हो रहा है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि वो अपनी दिल की हालत आपसे बयां नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये फीलिंग कि दिस पर्सन वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बस ये बात है कि आपको इसे समझना होगा, यू नो, बात है कि समझो ना, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप इसे समझते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस इसी चीज़ का ख्याल रखना होगा, इसी चीज़ का ध्यान रखना होगा। यू नो, दिस पर्सन रियली मीन्स अ लॉट, एंड यही बात आपको समझनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड वो है वापस मुड़ना। कहीं ना कहीं ये पर्सन है अपनी ज़िंदगी में आगे चला गया था, लेकिन आप ही ने शायद इसको ज़िंदगी में वापस बुलाया हो, यू नो। कई बार हम देखते हैं कि भाई अब अपनी ज़िंदगी एक बहुत ही अलग लेवल पे जीते हैं, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि शायद कोई पर्सन हमसे मिलता है या फिर कम बैक करने की सोचता है, हमें भी अपनी ज़िंदगी में कम बैक करने पे मजबूर करता है। वापस आप इसलिए मुड़ रहे हैं या फिर वो मुड़ गए, उनके कहने पे बातें ऐसे होगी, सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको लग रहा है कि दिस पर्सन रियली नीड्स मी, या फिर उन्हें लग रहा है कि यू रियली नीड दैम, यू नो। अगर ये बात हो रही है तो वो आपसे कुछ बातें साझा करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन। आप वापस मुड़ना चाहते हैं या फिर वो वापस मुड़ना चाहते हैं, बिकॉज अब उनके सामने और कोई चारा नहीं है, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। यू नो, एक ऐसा पल आ गया जब इनको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है, और फ्यूचर में आपके सिवा और कोई उन्हें नहीं दिख रहा। नेक्स्ट कार्ड है वो है नासमझी। नासमझी यहाँ पे है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके प्यार में पागल हो रहा है, या फिर पागल हो सकता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है जिसको हम ना समझी कह रहे हैं ना, जैसे कि आपके सामने है तो अचानक से चलते हुए कहीं पे गिर सकते हैं, या फिर यू नो कोई ना समझी वाली बात कह सकते हैं या फिर कर सकते हैं। हालांकि उनको ऐसा करना नहीं है, लेकिन जबकि वो आपको देख रहे हैं तो वो अपने आप का आपा खो रहे हैं, यू नो।
आज बाजू क्या हो रहा है इसके ऊपर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जैसे कि आपसे बात कर रहे अचानक से उठ गए तो सामने से वेटर आ रहा है, कोई पर्सन है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको बस आप दिख रहे हो। और ऐसे हालत में कोई ना कोई बात हो रही है जिसको शायद आप फनी इंसिडेंट ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप उनके बारे में सोचते हो, और यही उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। देखो, नासमझी एक ऐसी चीज़ है जो होती है, हो जाती है रिश्तों में, रिलेशनशिप में, बस आपको इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है याद सताए। ओके, सो दिस पर्सन रियली नोज यू अ लॉट। मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन आपको काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी अरसों से जानता है। शायद आपका ये बचपन का कोई दोस्त भी हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप को काफ़ी दिन, काफ़ी महीने या काफ़ी साल हो चुके हैं। देखो, याद सताए ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ चुका है कि कहीं ना कहीं पर ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहा है। इट कुड बी अबाउट द ड्रीमिंग सेक्शन, इट कुड बी अबाउट द इवनिंग सेक्शन, इट अबाउट द नाइट सेक्शन, यू नो। अब चाहे आप सेक्सुअली कनेक्ट हो चुके हो, फिजिकली कनेक्ट हो चुके हो, हग्स एंड किसेस हो चुके हो, या फिर सिर्फ आपने हैंडशेक किया हो, व्हाट रियली मैटर्स टू दिस पर्सन कि आपने इनके दिल में अपने लिए एक जगह बना ली है, जानबूझकर सही या फिर यूं ही सही, लेकिन बना ली है। अब ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है, यू नो, याद सताए ऐसा हो रहा है कि भाई ये आपको बार बार याद कर रहा है। अब हालत ये है कि अगर आपको पता है तो आप दोनों शायद इसी बात से गुजर रहे हो कि मे बी लॉकडाउन ये चल रहा है, या फिर किसी कारण से अगर आप मिल नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, लाइक ये कहीं और है, आप कहीं और है, तो आप एक दूसरे को मिलना ज़रूर चाहते हैं, और ये बात आप दोनों को तड़पा रही है कि आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू फील यू, यू नो, ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर आप दोनों को कहीं ना कहीं किसी तरीके से समझौता करना पड़ रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि हर बार हमारी दिल की जो हालत है वो बयान नहीं होती, और हम जो चाहते हैं वो हमें हर बार मिले ऐसा भी नहीं है। तो याद सताए इसलिए आ रहा है क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और जो फाइनल कार्ड वो है सलाम मशवरा। वाओ, ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है, अरे दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद समबडी, ये आपसे मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। शायद ये हो रहा है कि आपके साथ ये अपनी रिलेशनशिप का जो लेवल है वो एक और लेवल तक ले जाना चाहता है, लाइक कम्युनिकेटिंग विद योर फैमिली, आपके फैमिली से मिलना, चाहे उन आपका दोस्त बन के ही सही, या फिर आपका सलाहकार, या फिर आपका कलीग बन के। तो इसलिए आपसे या आपके फैमिली से कैसे मिला जाए उसकी प्लानिंग चल रही है। शायद ये अपने दोस्तों से सलाह मशवरा कर रहा है, या फिर ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे ये बातें कर रहा है कि भाई अगर मुझे इनसे मिलना है तो मुझे क्या करना होगा, व्हाट डू आई नीड टू डू एग्जैक्टली, यू नो, कि मुझे उनके सामने कैसे पेश आना है, या फिर कैसे मैं उनको कन्विंस कर सकते हैं, फिर अपनी छवि उनके सामने कैसे बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सलाह मशवरा इसके लिए काम आ सकता है, ताकि इनका काम बन जाए और आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारा सुकून आ जाए, बिकॉज यू रियली लव इच अदर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है रिगार्डिंग दी ओरेकल। हमें 6 कार्ड चुनने हैं, फर्स्ट आ गया, ठीक है, अब सेकेंड जो कार्ड है वो देखते हैं कौन सा है। ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, फोर्थ, चलो फिफ्थ, एंड एक फाइनल कार्ड जो कि है सिक्स। तो चलो 6 कार्ड हमने लिए हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, देखो पहला ही कार्ड जो है वो साइलेंस है। ओके, ये पर्सन गेस्चर के ऊपर बिलीव करता है। अगर आप गेस्चर की बात कहते हैं तो इट कुड बी अबाउट दिस साइंस, इट कुड बी अबाउट आँख फड़फड़ाना, यू नो, आँख मारना, आँखें एकदम, यू नो, पलके झपकाना, या फिर यू नो इट कुड बी लाइक नॉडिंग योर नेक, ऐसा हो सकता है। देखो, ये पर्सन आप के लिए ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपसे अपनी दिल की बातें डायरेक्टली बयां नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाह भी रहे कि अपने दिल की जो भी हालत है आपको बयां करें तो नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। अब ये कोई ऐसी बात है जो उनके दिल में रह गई है, चाहकर भी ये आपसे वो बात बयां नहीं कर पा रहे हैं। अब हालत चाहे जो भी हो, अब बातचीत करने के लिए या दिल की हालत बयां करने के लिए एक ही चीज़ है जो कि है साइलेंस, और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, अगर आप सब लोग बैठ है, शायद आपकी फैमिली है या फिर काफ़ी दोस्त हैं, उनके सामने अगर आपको आँख मारते हैं या फिर नोडिंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये उनके दिल में चल रहा है। हालांकि साइलेंस है, लेकिन उनके जो गेस्चर है वो आप भली भांति समझ सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है गॉन अवे। तो ये कार्ड इसलिए आ चुके हैं, कहीं ना कहीं पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में
कम बैक करना चाहता है लेकिन ये पहले से ही दूर जा चुका है। ये हो सकता है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, मे बी लॉकडाउन की वजह से उसको कहीं जाना पड़ रहा है या फिर ऐसे कोई हालत हुई है बिकॉज ऑफ द वर्क स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द जॉब प्लेसमेंट उसको कहीं और जाना पड़ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जो लोग मतलब जॉब के लिए कहीं पर जाते हैं कई बार वो अपने रिश्ते भी बदलते हैं, तो शायद ऐसा कुछ आपको फील हुआ होगा। लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा दूर नहीं गया है, आपके आसपास है, अभी भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं गॉन अवे यहाँ पे इसलिए आ चुका है क्योंकि आपकी और इनकी बातें नहीं हो रही हैं। देखो जो पहला कार्ड था वो था साइलेंस, मतलब आप दोनों के बीच बातें ओपन अप नहीं हो रही हैं, ओपनली नहीं हो रही है, आप दोनों किसी से बातें खुल के नहीं कह रहे। अब क्योंकि आप दोनों किसी से बातें खुल के नहीं कह रहे हो तो बातें बस दिल में ही रह रही हैं, यू नो, जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं वो बातें दिल में है। और ये हम कई बार देखते हैं, यू नो, जुबान तक आती है बात लेकिन जुबान से बाहर नहीं जाती, क्योंकि या तो हम डरते हैं, या तो हम डरते हैं कि कहीं हम सामने वाले को हर्ट ना करें, या तो हम डरते हैं कि हम कहीं खुद को ही हर्ट ना कर दें, यू नो। देखो एक कई बार ऐसा होता है कि एक लिमिट आती है इंसान को कि वो मतलब इतना डर जाता है कि अब वो और ज़्यादा डर नहीं सकता, या इतना सहम जाता है कि आँखों से पानी भी नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि वो डरता नहीं, ये उसके दिल की हालत है जो आपको समझनी होगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है मैनिपुलेटिंग। देखो मैनिपुलेटिंग यहाँ पे इसलिए आ चुका है कहीं ना कहीं पे आई थिंक यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा या फूट डालना चाहता है। देखो ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं जो जानबूझ के आपकी रिलेशनशिप में, रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो लोग मैरिड हैं उनको पता है कि मैरिड होने के बाद अगर आपके आसपास कोई ऐसा कपल है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, या फिर आपके रिश्ते नाते में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने रिश्ते से खुश नहीं है, उनकी बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और अगर वो आपको देखते हैं कि आप इतने खुश हैं, यू नो, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू वरी अबाउट देम, लेकिन क्योंकि वो जलस है कि मुझे नहीं इतने हैप्पीनेस मिल रही हैं, और ये देखो ये हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, हस्बैंड सही समय पे घर पे आता है, वाइफ अच्छे अच्छे खाना बनाती है, अच्छे अच्छे क्लोथ पहनती है, ये क्यों होता है? सो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में दखल देना चाहता है और आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश भी कर रहा है। मैनिपुलेटिंग कार्ड इसी बात का अंदेशा है कि समथिंग हैज़ हैपेंड और इसी के कारण आप दोनों को तन्हाई का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी ये जिस हालत में है उसके लिए आप दोनों और उसके अलावा एक और पर्सन भी जिम्मेदार हो सकता है। देखो अगर आप उसकी बातें मान के चल रहे हो कि हाँ आपने जैसे कहा वैसे ही है, तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होगी, ऐसा नहीं है। यू नो, बातें दिखती और हैं, बातें जो होती हैं वो और होता है, इसलिए आपको इस बात की पीछे की गहराई तक जाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट मोमेंट, यू नो, क्या ये सच में हुआ या फिर ये बस एक छलावा था। अगर आप इस बात की तफ्तीश करोगे तो आप जान पाओगे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रैक्टिकल एडवाइस। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को या फिर आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस मिल रही है। देखो प्रैक्टिकल एडवाइस का मतलब है कि कई बार हमें हमारे दिल को मोड़ना पड़ता है, है ना। जैसे कि आपने ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनी होगी कि प्यार तो किसी से था, इश्क मोहब्बत किसी और से था, ज़ोर शोर से था, लेकिन क्योंकि घर वालों का मानना उन्होंने पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, अपनी हट बदल दी और किसी और से शादी कर ली। ओके, मैं कहीं पे एक ऑडियो सुन रहा था, इट्स लाइक क्या उसे कहते हैं, पॉडकास्ट सुन रहा था, इट वाज विथ अ डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई सारे कपल होते हैं जो बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स किसी और से शादी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, किसी के भी दबाव में आके किसी और से, जब आपका स्पेशली दिल ना हो तो शादी मत कीजिए। उसके बाद शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो जो हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी होती है बेड पे या सिर्फ एक घर में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप जो होती है वो बहुत अलग होती है। इसमें कोई थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आएगा। हाँ ये बात अलग है जब आप अपनी फैमिली की शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं तुझे में हो रही है तो वो एक छोटी सी बात है, उसके लिए ज़्यादा बहस करने की बात नहीं है, लेकिन जो आपके दिल की बात होती है वो और कोई सुलझा नहीं सकता, ये बस आप दोनों तक ही सीमित रहती हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एडवाइस किसी को मिल रही है, अब ये प्रैक्टिकल एडवाइस शायद किसी भी लेवल तक हो सकती है,
आपको इसके बारे में मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि आपको सोच समझ के फैसला करना होगा, क्योंकि मैनिपुलेटिंग आ चुका है, उसके बाद प्रैक्टिकल एडवाइस आ चुका है। या ये मतलब ये हो सकता है कि भाई शायद कोई पर्सन आपको एक ऐसी चीज़ करने पे मजबूर कर रहा है जिसके कारण आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्यूचर इंसाइट एंड फाइनल कार्ड है बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों कार्ड को देखते हैं साथ में तो इसका मतलब आ रहा है कि भाई आप फ्यूचर के बारे में देख रहे हो, या फिर ये पर्सन जो है आपका लवर वो भी फ्यूचर के बारे में देख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका फ्यूचर आ रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, दो अनुमान हम लगा सकते हैं। देखो पहला जो अनुमान है, पहला जो तर्क है, पहला जो विश्लेषण है वो ये है कि ये जो पर्सन या फिर खुद आप किसी का उपदेश ले सकते हो, किसी का डायरेक्शन, किसी का गाइडेंस ले सकते हो और उसके अनुसार आप चीज़ कर सकते हैं। अब वो करने के बाद आपको एक अलग फ्यूचर दिख सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई अपना खुद का ऑफिस आता था, अब इसको शायद ऐसे जगह पे ऑफिस मिला है कि बहुत बड़ा ऑफिस है, आलीशान है, कांच का ऑफिस है, लेकिन अगर वो वहाँ पर लोनली है, अगर वहाँ पे लोगों के साथ तो घुल मिल नहीं सकता, तो ऐसे ऑफिस का फ़ायदा ही क्या। ये अभी के लिए आपको सही लगता है, लेकिन जब आप लॉन्ग रन के लिए देखते हैं तो कई सारी बीमारियाँ हो जाती है बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, बिकॉज ऑफ द साइकेट्रिक ट्रबल। अगर आप अपना दिल किसी के साथ शेयर नहीं करते तो आपके दिल के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि बीपी, डायबिटीज़, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाती है। वही अगर हम बात करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन, तो कहीं ना कहीं पे बात हो रही है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की। अब हो सकता है कि शायद इनको इसी दिन पे कोई पर्सन मिल सकता है जो कि हॉट बोल्ड हो, और बस क्योंकि वो हॉट एंड बोल्ड है इसलिए वो उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये चीज़ इनको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आप जान भी नहीं सकते। हालांकि यह भी बात है फ्यूचर इंसाइट, कहीं ना कहीं पर अगर हम सेकेंड अनुमान देखते हैं तो फ्यूचर के बारे में सोच के इनको लग सकता है या फिर आपको भी लग सकता है कि भाई ये ही आपके लिए बेहतर चॉइस है, आप ही इनके लिए बेहतर चॉइस हो। कहीं ना कहीं आपका या किसी और का, जो आप दोनों का एक कॉमन फ्रेंड हो, उनके सेलिब्रेशन के यहाँ पे, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आप कहीं ना कहीं मिल सकते हैं और तब से एक नई शुरुआत हो सकती है, एंड बोथ ऑफ यू कैन कम टुगेदर, और इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी साथ में जुड़ सकती है। आपको इसी बात के बारे में ध्यान रखना होगा। अखियों से गोली मारे ऐसी बात है कि जहाँ पे आप अपनी दिल की बात शेयर तो करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली शेयर नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने इंट्यूशन से और अपने गेस्चर से शेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। चलो हमें 6 कार्ड लेने हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलो 6 कार्ड लेंगे, 7 कार्ड नहीं लेंगे। ओके, तो चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते रीडिंग क्या आता है। देखो पहला ये जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की, मेल जोल की, मेल मिलाप की। आप और ये पर्सन, आप दोनों ही साथ में हो या फिर साथ आ सकते हो। ये शायद एक पुरानी मेमोरी या पुरानी बात भी हो सकती है जिस पल से आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई होगी। यू नो द वे यू हैव कम टुगेदर, एक बहुत ही अच्छे मोड पे आपकी शुरुआत हुई होगी। और इट कुड बी लाइक बोथ ऑफ यू वेयर कलीग, अगर आप दोनों कलीग भी हो सकते हो, या फिर बस एक दूसरे की हेल्प करने के बहाने आपकी ये बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप की शुरुआत हो चुकी होगी। अगर आप किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हो, किसी को एक नेगेटिव फेस से बाहर निकाल रहे हो, तभी भी अगर आप दोनों के इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। देखो यहाँ पे बात आती है दिल की, अगर आप दोनों का दिल कहीं ना कहीं मेल खाता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और सच्ची बात बन जाती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करने के लिए उतावले हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बौखला जाना या फिर अपने दिल को काबू में ना रखना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। देखो यहाँ पे बात आती है अंडरस्टैंडिंग करने की। हर किसी को किसी ना किसी प्रकार के इशू का सामना करना पड़ता है, और यही बात है जब आपने अपने दिल की हालत इनके सामने रखी होगी या फिर इनकी दिल की हालत देखी होगी। देखो या तो आपको इनकी सख्त ज़रूरत है या फिर इनको आपकी सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगा कि भाई मुझे अपने आप को कंट्रोल करने की, या फिर मुझे ये एहसास हो रहा है कि मुझे किसी और से बातचीत करने की ज़रूरत है, ये पर्सन आपके लिए एक बेहतर साथी साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि अधूरेपन के एहसास की या फिर किसी का साथ छोड़ने की। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है,
तो थोड़ी बहुत जो हलचल हुई है उसके कारण जो नतीजा हुआ है वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है। समवेयर इट कुड बी लाइक आपने इससे बातचीत करने की तो कोशिश की होगी या फिर कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ समथिंग, क्योंकि शायद ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास या फिर इन्होंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जिनके हिसाब से कि भाई अगर कोई ऐसा करता है या फिर उसका कोई इंट्यूशन है, इंटेंशन है, इसका मतलब है कि ये पर्सन शायद कोई गलत करेगा। कहीं ना कहीं किसी पर्सन के साथ कुछ हादसा हुआ होगा और उसी चीज़ को अपने साथ भी जोड़ रहे हैं। इसी कारण फाइव ऑफ सोर्स एक नकारात्मक भूमिका लेके आ रहा है जो कि शायद आपके दोनों के ज़िंदगी में आ चुका था या फिर ये पल आ रहा है या फिर आ सकता है। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के साथ को नापना, देखना, एक दूसरे के जो दोस्त हैं और वो क्या सलाह देते हैं उसके बारे में जानना। हर सलाह जो आपको दी जाती है ज़रूरी नहीं कि वो सलाह सही होगी, अच्छी होगी और आपके ऊपर फिट बैठेगी, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है द मैजिशियन। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल कार्ड आ गया है टेन ऑफ सोर्ड। देखो कहीं ना कहीं अगर हम इन बातों को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं तो द मैजिशियन का मतलब है कि आप दोनों को हील होने की ज़रूरत है। शायद कोई थर्ड पर्सन आके आप दोनों के रिश्ते को बचा भी सकता है। द मैजिशियन का मतलब है आप दोनों को एक दूसरे को हील करने का एक मौका मिल रहा है। देखो सबसे पहली बात है कि आप दूसरे को ये कभी भी प्रूव करने की कोशिश ना करें कि तुम कैसे सही हो और वो कैसे गलत है, फिर वो कितने सही हो और आप कितने गलत हो। देखो अगर आप अपने आप को सही मानते हो तो बात यहीं पे शुरुआत होती है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप सही हो और आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे ही सही उनको सही लाइन पे ला सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि पहले आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। हाँ आपकी परीक्षा ली जा सकती है या फिर आपका एक अलग नज़रिया उनके सामने रखा जा सकता है, डजंट मीन कि ऐसा ही हो। तो द मैजिशियन का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस होने जा रहे हैं, लेकिन मैजिशियन या तो आपको खुद बनना होगा या तो कोई और आपकी ज़िंदगी में एज ए मैजिशियन बन के आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपने दिल की हालत उनके सामने किसी भी तरीके से रखनी ही होगी, चाहे आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना क्यों ना पड़े। अखियों से गोली मारे यहाँ पे फिट बैठता है। एक्सप्रेस व्हाट योर आईज आर टेलिंग देम, आपकी आंखें जो उनसे कहना चाहती हैं बिना झिझक उनसे कह दीजिए, क्योंकि यही मौका है आपके हाथ में, यही मौका है जो आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। वॉट एवर यू फील यू कैन जस्ट एक्सप्रेस इट। अगर आपके पास उनका व्हाट्सअप है, फेसबुक वॉल है या फिर आपके दोस्त है, आप उनके ज़रिए इनको मैसेज कन्वे कर सकते कि भाई ये मेरे ज़िंदगी में हो रहा है और आपसे जुदा होना मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था। वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टास्क फॉर मी इज़ टू कम्युनिकेट विथ यू, और इसलिए मैं आपके साथ वापस से दोबारा से जुड़ना चाहता हूँ। देखो ज़िंदगी में अगर दिल टूट जाए तो जुड़े भी जा सकते हैं, यू नो, एंड दिल टूटते रहते हैं, इसलिए तो दिल को इतना स्पेशल बोलते हैं, है ना। दिल बहुत जल्दी टूटता भी है और बहुत जल्दी जुड़ भी सकता है अगर हम उस तरीके से इसे देखते हैं तो। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है टेन ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि जो हार्डशिप है आपकी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो रही है और यही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपनी जो जगह है वो छोड़नी पड़ सकती है, अपना जो करंट जॉब है उसे क्विट भी करना पड़ सकता है। देखो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स का इंपॉर्टेंस ये आ रहा है कि आप दोनों को अंडरस्टैंड करनी होगी कुछ चीज़ें कि भाई अगर हमें इस पर्सन के लिए कुछ करना है तो हम किस लेवल तक कर सकते हैं, और अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे ये चीज़ कैसे करनी होगी। टर्न ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि जो भी हार्डशिप है वो फाइनली ख़त्म हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्डशिप ख़त्म होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सबक सीखना। देखो अगर आप अपना सबक सीख गए हो तो ज़िंदगी में आने वाले खतरों से आप अपना और उनका दोनों का बचाव कर सकते हो। इसका मतलब है कि अभी आपको पता है कि आपके और इनके ट्रबल मेकर्स कौन है जो आप दोनों को ट्रबल करते हैं या फिर कौन है जो आपको ट्रबल दे सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखने में ही आप दोनों की भलाई है, फिर चाहे वो आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की क्यों ना हो। इसलिए टेन ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि द एंड, तो किसी चीज़ का आपको दी एंड करना ही होगा। अगर आप दी एंड करते हैं तो ही वहाँ पे एस ऑफ सोर्ड होगा, एक नई बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी और आप अपनी ज़िंदगी में कहीं और अच्छे तरीके से जा सकते हैं। ये था रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मैनी थ्रू।